हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैरेज जिम। डेली फिटनेस टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे टॉप 3 एक्सरसाइजेज फॉर बाइसेप्स। बाइसेप्स में होती हैं दो मसल्स, बाइसेप्स ब्रेक हाई और बाइसेप्स ब्रेक हाई। तो बाइसेप्स ब्रेक हाई होता है उसमें एक होता है शॉर्ट हेड जो यहाँ होता है, एक होता है लॉन्ग हेड जो यहाँ होता है। आज हम टॉप 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये दोनों बाइसेप्स के मसल्स को कवर करें। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल कर्ल। डंबल कर्ल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ इस पोस्चर में रखने हैं, जो आपके हाथ है वो डेड नहीं, एक्टिव पोजीशन पे होने चाहिए। अब आपको नॉर्मल डंबल कर्ल करना है। 1, 2, 3, 4। इसमें आपको सबसे पहले जब आप कर्ल करेंगे तो आपको अपने पूरे पीक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जो आपका सेंट्रिक पार्ट होता है इसका मतलब आपको स्लोली स्लो डाउन छोड़ना है। 1, ये आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, नॉर्मल ऐसे। 1, पीक पे कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, पीक पे कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। इसके आपको 10-12 रेप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे जो कि है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल के लिए भी आपको अपने हाथों को एक्टिव पोस्चर में रखना है, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ब्रेकियलिस को कवर करेगी। इसके लिए आपको सेम एक्टिव पोस्चर पर रख के सामने देखना है, इधर उधर नहीं देखना लेग से। 1, पीक पे कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। 2, पीक पे कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, पीक पे कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। सेम इसके आपको 10-12 रेप्स करने हैं और 3 सेट करने। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपको हर एक्सरसाइज में ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना है। हर थोड़े टाइम बाद डंबल आपको अपना वेट इंक्रीज करना है और प्रॉपर रेस्ट लें। अब करेंगे हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो कि है कंसंट्रेशन कर्ल। कंसंट्रेशन कर्ल करने के लिए सबसे पहले आपको ये अपने पैर को 90 डिग्री पर रखना है। ये पैर आपका बाहर की तरफ रहेगा, आपका जो हाथ है उसकी जो ट्राइसेप वाला आउट पोर्शन है वो आपका यहाँ पे रहेगा, कि जो चेस्ट है वो आउट रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, 2 रैप 3 4। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी पीक जो है ना, ये पीक को डेवलप करने में हेल्प करेगी। इसके आपको 10-12 रैप्स करने हैं और 3 एक्सरसाइज। हमने बारबेल की जगह डंबल इसलिए यूज़ किया क्योंकि डंबल यूज़ करने के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी दोनों हाथों की सिमेट्री इक्वल रहती है, और जो आपके दोनों हाथ हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो जाती है। अगर आपके लेफ्ट हैंड में स्ट्रेंथ कम है, अगर आप डंबल का यूज़ करेंगे तो दोनों हाथों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी, राइट की भी और लेफ्ट की भी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डेली फिटनेस टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने बारबेल की जगह डंबल इसलिए यूज़ किया क्योंकि डंबल यूज़ करने के 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आप इक्वल सिमेट्री डेवलप करते हैं और इक्वल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं दोनों हाथों में। अगर आपके लेफ्ट हैंड वीक है तो आपका जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड, अगर आप डंबल यूज़ करेंगे तो दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मिल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द गैरेज जिम।